बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग यामध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। शाळा बंद पण शिक्षण सुरू या संकल्पने अंतर्गत आज आपण इयत्ता 9वी विषय विज्ञान व तंत्रज्ञान यामधील घटक उपयुक्त व उपद्रव द्रव्य सूक्ष्मजीव हे पाहणार आहोत। चलो तो शुरू करते हैं। घटक उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्म। आज के इस लेक्चर में हम जो घटक देखने वाले हैं वो दो घटक है। पहला वाला है किण्व और दूसरा है डबल रोटी कैसे बनाते, और उसके बाद और एक घटक हम देखने वाले वो है प्रतिजीवी। तो पहला घटक किण्व। किण्व मतलब ईस्ट। अब ईस्ट किस प्रकार तैयार होता है ये हम पहले देखेंगे, फिर वो किण्व कैसा रहता है, वो कैसे देखता है ये हम देखेंगे। उसके लिए हम एक कृति करें। सबसे पहले हम बाजार से एक्टिव ड्राई ईस्ट लेकर आएंगे। बगल वाली आकृति आप देख रहे हैं, इस प्रकार की एक्टिव ड्राई बाजार में मिलता है वो लेके आएंगे। उसके बाद एक बोतल में एक चम्मच ईस्ट, जैसे दूसरा चित्र दिखा है उसमें देखे हमने एक बोतल लिया है, और उस बोतल में जो हमने ड्राई ईस्ट लिया है जो बाजार से लेके आए हैं वो इस बोतल में डालने का। उसके बाद उसी बोतल में दो चम्मच चीनी और थोड़ा गुनगुना पानी मिलाए, जैसे इस चित्र में दोनों चित्र में दिखाया। देखिए पहले वाले जो बोतल लिया था उसमें हमने ईस्ट पाउडर डाली, उसके बाद उसमें दो चम्मच चीनी पाउडर और थोड़ा गुनगुना पानी डालना है। और उसके बाद देखो तीसरा चित्र यहाँ दिख रहा है, उसके बाद इस चित्र इस बोतल को ऊपर एक बलून लगाना है, रंगहीन बलून उसको बिठाना है, ठीक तरह से बिठाना है। उसके बाद कुछ देर के लिए उसे साइड में रखना है, मतलब लगभग 10 या 15 मिनट आप उसको देख सकते बाजू में रख सकते हैं। उसके बाद उस बोतल में क्या बदलाव आया है हम देखें। जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, देखिए कि जो बोतल है उस बोतल में से जो बलून हमने लगाया था वो बलून क्या हो गया, फूक गया है, और उसमें कुछ गैस जमा हुआ। अब उस गैस में हम क्या करेंगे, देखो दूसरे चित्र में देखिए वो जो बलून है वो हम बलून निकालेंगे, और उस बलून में जो गैस जमा हुआ है उसमें हम कली चूना मिलाएंगे। देखो ये दूसरा वाला चित्र दिख रहा है उसमें ये कली चूना बीकर में लेकर परीक्षण करना है, मतलब जो चूना हमने उस गुब्बारे मतलब बलून में डाला है वही चूना हम क्या करेंगे बीकर में ले लेंगे। देखो वही, देखो इस प्रकार मतलब कली चूना जो हमने बलून में डाला है वो क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद वो गैस और चूना फिर हम क्या करेंगे उसको एक बीकर में ले, फिर इसका हम क्या करेंगे निरीक्षण करेंगे या परीक्षण करेंगे। अब परीक्षण करने या निरीक्षण करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक माइक्रोस्कोप चाहिए। उस माइक्रोस्कोप के नीचे हम क्या करेंगे, जो भी द्रावण बीकर में है उसका हम निरीक्षण करेंगे, बोतल के द्रावण की एक बूंद स्लाइड पर लेकर। देखो अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखना है तो उसके लिए एक स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड के ऊपर वो जो द्रावण हमने तैयार किया है वो द्रावण लेने का, और उसके ऊपर एक कवर स्लाइड रहती है, वो द्रावण इधर उधर न जाए इसलिए वो कवर स्लाइड उसके ऊपर रखते हैं। देखो दूसरे चित्र में दिखाया है, देखो इसके ऊपर कवर स्लाइड रख देने का और वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख देने का। अब संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी के सहायता से उसका निरीक्षण कर, और जो बॉटल है वो बॉटल जिसमें से हमने द्रावण लिया था या वो क्या करने का बगल में रख देना या साइड में रख देना। अब निरीक्षण करने के बाद हमें क्या दिखता है वो हम देखेंगे। अब हमने स्लाइड तैयार हुई है, वो स्लाइड हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है। अब उस माइक्रोस्कोप के नीचे उस स्लाइड में उस द्रावण में किण्व किस प्रकार दिखता है हम देखेंगे। जैसे ये वाला देखिए, अब स्लाइड हम माइक्रोस्कोप के नीचे हमने रखा है तो हमें इस प्रकार के कुछ चित्र दिखाई दे। स्लाइड पर लंब वृत्ताकार रंगहीन कवी कोशिया है, जो हम स्लाइड देख रहे हैं उसके ऊपर हमें क्या दिख रहा है, एक वृत्ताकार रंगहीन कवी कोशिया हमें दिख रही है, जिसको मैंने येलो कलर से नाम किया। अब देखिए इन कोशियों पर छोटे छोटे वृत्ताकार भाग चिपके हुए दिखाई देंगे। अगर आप उसको देखते हैं तो देखिए इस चित्र में देखो व्हाइट कलर का मैंने राउंड किया है और उसमें और दो राउंड है छोटे छोटे, वो क्या है नई बनाई हुई मतलब नई बनती हुई क्या है कोशिकाएं है।
किसकी, किनवा की। हम देखो इस प्रकार हो रहती है, जो छोटा राउंड हमने किया तो ये ईस्ट है, ईस्ट मतलब एक ईस्ट क्या है, किनवा है, किनवा क्या है, एक कोशीय कवक। एक कोशीय कवक में क्या रहता है, देखो बगल में देखो आकृति में दिख रहे अंकुर रहता है, उसके बाद कोशी भित्तिका जो आवरण रहता है उसके बाद उसके बाहर का, उसके बाद केंद्रक रहता है अंदर केंद्रक, और कोशिका मतलब किनवा रहता है, वो किनवा के अंदर क्या रहता है, अंकुर रहता है, ठीक है ना। उसके बाद कोशी भित्तिका रहती है उसका संरक्षण करने के लिए, उसके बाद एक केंद्रक रहता है, और एक केंद्रक के अंदर क्या रहता है, कोशिका द्रव्य रहता। इस प्रकार आपको किनवा दिखाई देगा, मतलब ईस्ट आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगा। अब ये जो ईस्ट है वो क्या करता है, प्रजनन करता है। तो प्रजनन किस प्रकार का होता है, देखिए प्रजनन की इस अलैंगिक पद्धति को मुकुलन कहते हैं। मतलब इसमें जो किण्वों में प्रजनन होता है अलैंगिक प्रजनन रहता है, और किससे करते हो, मुकुलन से करते हैं ना, अलैंगिक पद्धति को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। किण्वा एक परपोषी कार्बनिक पदार्थों पर वृद्धि करने वाला कवक वर्गीय सूक्ष्म है, परपोषी है। उसके बाद वो कार्बनिक पदार्थों पर वृद्धि करने वाला, मतलब जो कार्बन पदार्थ रहते हैं उसके ऊपर क्या होता है, बढ़ जाता है, उसकी वृद्धि होती है, और वो क्या है, कवक वर्गीय सूक्ष्म जीव है। किण्वों की 1500 से भी अधिक प्रजातियां है, जैसे इसमें इस चित्र में देख रहे हैं उसी प्रकार के अलग अलग, मतलब 1500 जातियां है, वो 1500 जाति अलग अलग जगह आपको, मतलब वो आप निरीक्षण करने के बाद वो आपको पता चलेगा, यहाँ तो हमने एक ही निरीक्षण किया है तो उस प्रकार का दिखता है, लेकिन अलग अलग मतलब 1500 प्रकार की उसकी क्या है, प्रजाति। इष्ट एक एक कोशीय कवक है, इष्ट क्या है, एक कोशीय कवक है, और क्या है वो, परपोषी भी है, ये याद रखना। उनकी लगभग 1500 प्रजातियां अस्तित्व में है। किण्वक कोशिका दृश्य केंद्रीय प्रकार की होती है। तीन चार जो पॉइंट है आपको याद रखना है, क्या रखना है, किण्वक ये क्या है, एक कोशीय कवक, क्या है, एक कोशीय कवक है, किण्वक परपोषी है। उसके बाद किण्वक कोशिका जो रहती है वो क्या रहती है, दृश्य केंद्रीय प्रकार की रहती। अब जैसे हमने ऊपर का दो प्रयोग देखा देखा उसमें देखे हमने चीनी लिया था, ऊपर दिए प्रयोग में हमने चीनी के द्रव्य में स्थित कार्बनिक पदार्थ का कारण कारण इष्ट की वृद्धि होती है और प्रजनन शीघ्रता से होता है। तो जो हमने प्रयोग किया था, जहां हमने ईस्ट लिया था, इसमें हमने चीनी और गुनगुना पानी मिलाया था, वो चीनी के कारण ना, वो शुगर के कारण क्या होता है, ईस्ट की वृद्धि होती है और प्रजनन भी क्या होता है, शीघ्र से होता है। शीघ्रता इसका मतलब जल्दी से होता है। अपना पोषण करते समय किण्वक कोशिकाएं विलयन के कार्बोज पदार्थों का रूपांतर, याद रखिए किण्वक कोशिकाएं क्या करते हैं, जब वो पोषण करते हैं उस समय किण्वक कोशिका विलयन के कार्बोज पदार्थ का रूपांतर, जो कार्बोज पदार्थ रहते हैं उनका रूपांतर किसमें करते हैं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में करते हैं। ये वाला सेंटेंस भी आपको याद रखना है, जब किण्वक कोशिका रहती है वो पोषण करती है, तो पोषण करते समय जो कार्बोज पदार्थ रहते हैं उनका वो रूपांतर करते, किसमें रूपांतर करते हैं, वो तो एक अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रकार हमने किण्वन कैसे तैयार होता है, किण्वन तैयार करने के लिए हमने कौन कौन सी चीजें ली और किण्वन क्या है, उसकी प्रजाति कितना है, ये हमने देखा। इस प्रकार किण्वन तैयार होता है। आप स्कूल में जो प्रयोगशाला है उस प्रयोगशाला में भी ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल चालू हो जाएगा तो ये आपको प्रयोग स्कूल में शायद आपके साइंस टीचर है वो आपको दिखाएंगे। अब उसके बाद हमारा दूसरा जो उपघटक है वो है डबल रोटी कैसे बनाते हैं। अब डबल रोटी कहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे देखो आप सब लोग, हम भी सब लोग सुबह नाश्ता करते हैं, ठीक है ना। नाश्ता करते समय हम कौन कौन से पदार्थ खाते हैं, इसमें हम पोहे खाते हैं, ठीक है, चाय रहता है, बटर रहता है, और पाव रहता है, और ब्रेड, है ना। तो पाव और ब्रेड यही क्या है, डबल रोटी। फिर ये पाव ब्रेड बटर, है ना, एक किस प्रकार बनते हैं, इसकी क्या प्रोसीजर है, ये हम देखेंगे। पाव और ब्रेड इसे हम क्या कहते हैं, डबल रोटी कहते हैं। तो ठीक है, तो डबल रोटी कैसे बनाते हैं, उसके लिए कौन कौन से पदार्थों की जरूरत है, ये हम अभी देखेंगे।
जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, आप देखो, आप सबको पता रहेगा, ठीक है, इसको जूम करता हूँ। तो डबल रोटी बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों की जरूरत है वो देखते हैं। घेहूं का आटा, पहला वाला चित्र, नमक जरूरी है, मीट, ईस्ट, ईस्ट की पाउडर बहुत जरूरी है, उसके बाद तेल, धूप, दूध, ये सारे पदार्थ हमें एक साथ लेना है। एक साथ लेना है मतलब वो डबल रोटी बनाने के लिए सारे पदार्थ जो रहेंगे वो हमें क्या रहिए हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनते हैं हम देखेंगे। गेहूं का आटा, नमक और ईस्ट का विलयन एक बड़े चौड़े बर्तन में आपको मिश्रित करना है। क्या क्या मिश्रित करना है? गेहूं का आटा, नमक और ईस्ट किनवा पाउडर जो बाजार में मिलता है वो क्या करना है आपको, एक बड़े बर्तन में मिक्स करना है। मिश्रित करना मतलब सबको एक साथ मिलाना है। इसमें तेल और पानी मिलाकर अच्छे प्रकार से आटे को गूंद, मतलब ये जो आटा है, जो आटा तैयार हुआ है, इस आटे को क्या करना है, इस आटे में तेल और पानी मिलाना है और उसको अच्छी तरह से गूंदना है, मतलब अच्छी तरह से वो आटा तैयार करना है। यह आटा अच्छे प्रकार से गूंदा हुआ होना चाहिए, मतलब अच्छे प्रकार से, मतलब बहुत देर तक समय क्या करना है, गूंदना है और वो आटा अच्छी तरह से करना है। अब इसमें देखो, आधा किलो आटा हमने लिया है, 7 ग्राम ईस्ट लिया है और एक छोटा चम्मच नमक लिया है। मतलब जो आटा हमने तैयार किया है इसमें हमने क्या क्या लिया है पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर से बता लेता हूँ, देता हूँ। आधा किलो आटा, 7 ग्राम ईस्ट और उसके बाद एक छोटा नमक, और हमने ये पूरा क्या किया, इस बर्तन में, बड़ा बर्तन है उसमें हमने उसको मिक्स कर दिया। गेहूं का आटा है, जैसे हमने कहा कि उसको क्या कराना है, उस आटे को क्या करना है, तेल लगाना है, खाद्य तेल जो हम खाना खाना खाने के लिए तेल यूज करते हैं वो वाला तेल क्या करना है, लगाना है। अब यह गूंदा हुआ आटा हल्के तेल लगाए हुए बर्तन में रखो, मतलब जो बर्तन है, आटा तैयार हो गया है, उस आटे को हमें क्या करना है, बर्तन में रखना है और बर्तन को थोड़ा क्या करना है, तेल लगाना है। इसे 2-3 घंटे तक ढक्कन से ढककर रखो, 2-3 घंटे में ये आटा फूल जाएगा। ये जो आटा है जो तैयार किया है, उस आटे को क्या करना है, ढककर रखना है। कितने समय के लिए? 2-3 घंटे के लिए आपको ढककर रखना है। बाद में क्या होता है देखिए, ये देखो इस प्रकार आपको 2-3 घंटे के लिए इसके ऊपर कपड़ा या बर्तन ऐसा रख दो, कपड़ा रखेगा तो भी अच्छी बात है, और उसको 2-3 घंटा रखना है। और 2-3 घंटे के बाद देखो दूसरे वाले आकृति है, उसके ऊपर का अगर हम कपड़ा या निकाल देते हैं तो आपको जो आटा है पहले से दुगना मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो आटा फूल गया है आटे में मिश्रित। अब आटा क्यों फूल गया है, देखिए आटे में मिश्रित ईस्ट के कारण आटे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब जो आटा हमने तैयार किया इसमें हमने क्या मिक्स किया था, ईस्ट किया था, किनवे की पाउडर, उसी कारण आटे में क्या तैयार हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने, मतलब तैयार, इसी कारण आटा अपने मूल आकार से दुगना फूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही आटा छिद्रमय और नरम हो जाता है। जो आटा रखा था वो दुगना हो गया, क्यों दुगना हो गया है इसका हमें कारण, क्या कारण है, क्योंकि उस आटे में हमने ईस्ट मिलाया है, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ईस्ट मिलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसी कारण आटा क्या होता है, अपने आप फूट जाता, और क्या है, आटा छिद्रमय और नरम भी होता। अब जो आटा तैयार हुआ है उस आटे को ओवन मतलब भट्टी, उस भट्टी में क्या करना है, रखना है उसके गोले बना के, लेकिन उस भट्टी का टेम्परेचर हमें पता होना, तो उसका टेम्परेचर कितना रखना है, तो उसका टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, और उसमें 25 या 30 मतलब आधे घंटे तक आपको गोले को क्या करना है, रखना है। मतलब जो आटा हमने तैयार किया था उस आटे को हमें क्या करना है, ओवन और भट्टी में रखना है, उसका तापमान कितना होना चाहिए, 30 या 25 सॉरी 220 डिग्री होना चाहिए, और कितने समय के लिए उसको रखना है, 30 मिनट के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए आपको वो रखना है। देखो इस प्रकार एक बर्तन लेना है और जो ओवन की भट्टी है उसमें गोला करके आपको क्या करना है, रखना। ओवन के भट्टी में आटे को तब तक सेको जब तक आटा लाल भूरे रंग का न हो जाए तथा आटा फूलकर हल्का हो जाना चाहिए। देखो जैसे हमने वो गोला रख दिया, अब गोला रखने के बाद हम आधे घंटे में निकालना है, लेकिन
वो आटे को जो गोला करके रखा है वो थोड़ा क्या होना चाहिए, बुरा रंग का होना चाहिए, लाल बुरे रंग का होना चाहिए, तब तक उस आटे को या वो गोले को क्या करना है, रखना। हम देखिए ओवन भट्टी में से निकाल कर लाल बुरे रंग पके हुए आटे के गोले जाली पर ठंडा करो, मतलब वो गोले जब तैयार हो जाएंगे लाल बुरे रंग के तैयार हो जाएंगे, तो ओवन भट्टी से उसको निकालना है और उसको दूसरी एक जाली रहती है उसके ऊपर क्या करना है, ठंडा करना है। कुछ समय बाद उसका स्वाद आपको लेना है। किण्वन की प्रक्रिया के समय आटे के गोले से मुक्त होती है, इससे बना हुआ पाव या ब्रेड नरम और छिद्रमय होता है। देखो ये सब सारी प्रोसेस होने के बाद इस प्रकार का ब्रेड और आपको पाव दिखाई देगा। तो ब्रेड तैयार करते समय कौन कौन से घटक लेना, कौन कौन से पदार्थ लेना है, क्या प्रक्रिया करना है और उसके बाद ब्रेड या पाव कैसे तैयार होता है, ये इसकी क्या है पूरी प्रोसेस। मतलब इस प्रकार आप ब्रेड या पाव तैयार कर सकते। इसके बाद है पेनिसिलिन प्रतिजीवी। इसके पहले एक पॉइंट है रोग प्रतिबंधक। अब रोग प्रतिबंधक इसमें क्या रहता है, देखो कोई भी बीमार पड़ता है तो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए हम उसे रोग प्रतिकार शक्ति के लिए क्या औषध देते है ना, कोई भी बीमार हो, जैसे अभी कोरोना की महामारी चल, अब कोरोना की महामारी में अलग अलग प्रकार की दवाई का नाम आप सुनते हैं, तो हम क्या करें, हमारे एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए हो, जैसे इंजेक्शन आया है, लस आई, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, तो हम क्या करते हैं उस विषाणु या जीवाणु को मारने के लिए, हमारे शरीर में से हटाने के लिए, उनकी ताकत कम करने के लिए हम वो दवाई लेते हैं और हमारे क्या करते हैं रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं। उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के भी रोग रहते हैं, जैसे हम बीमार रहते हैं, बारिश का मौसम है तो कभी कभी हमें सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाता है तो हमें वो इंजेक्शन देता है और हम तुरंत एक दो तीन दिन के बाद क्या होता है, हम ठीक हो जाते हैं, मतलब हमारी ताकत कम हो जाती है, फिर हमें दवाई कुछ लेने के बाद वो ताकत बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं। अब उस रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत साल पहले पेनिसिलिन नाम का एक औषध तैयार होता है, यहाँ देखिए यहाँ हम देखने वाले हैं पेनिसिलिन रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए, तो वो कैसे तैयार हुआ, वो क्या है ये हम पेनिसिलिन इस चित्र को देखिए, ये पेनिसिलिन नाम का कवक, पेनिसिलिन ये पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजीवियों का समूह है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजीवियों का ये समूह। स्टेपिलोकोका है, क्लॉस्ट्रिडिया, स्ट्रेपोकोका है, प्रजातियों के जीवाणु से होने वाले संसर्गों को काबू में लाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन नामक का जो कवक है उसका उपयोग किसके किस किसके लिए किया जाता है, तो स्टेपिलोकोका है, क्लॉस्ट्रिडिया, स्ट्रेपोकोका है, प्रजातियों के जीवाणु से होने वाले संसर्गजन्य रोग रहते, संसर्गजन्य रोग उनको काबू में लाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। देखो इस प्रकार पेनिसिलिन रहता है, देखो इस प्रकार पेनिसिलिन के कवक है इस प्रकार रहते हैं। एक किसका किसका नाश करते हैं, तो इसको मैंने देखो क्रॉस करके दिया है, स्टेपिलोकोका है, क्लॉस्ट्रिडिया और स्ट्रेपोकोका है, इन जीवाणु का ये पेनिसिलिन क्या करते हैं, नाश करते हैं। आगे कान, नाक, गला, त्वचा में जीवाणु द्वारा होने वाले संसर्ग तथा निमोनिया, क्लास्ट्रिड मतलब जोर पर उपचार करने के लिए पेनिसिलिन युक्त औषधियां उपयुक्त होती। देखो अभी जैसे मैंने अभी कहा कि सर्दी का मौसम, सॉरी बारिश का मौसम है तो हमें सर्दी होती है, घसा में कुछ तकलीफ होती है ना, या त्वचा पे कुछ ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ ना कुछ दवा देते, उसमें जो रहता है पेनिसिलिन युक्त औषधि, मतलब पेनिसिलिन की जो कवक है उससे बनाए हुए औषधि हमें दिए जाते, तो वो पेनिसिलिन क्या करता है, ये जो जीवाणु है ना उन जीवाणु को क्या करता है, मारता है, जीवाणु को क्या करता है, मारता, ठीक है ना। मतलब पेनिसिलिन किसके किस में यूज होता है, देखो कान, नाक, गला, इस चित्र में दिखाया है, देखो ये छोटा बच्चा है उसके उसका नाक, घसा, कान, त्वचा में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, संसर्ग हो जाता है
या निमोनिया को हो या ज्वर को हो, उस उपचार में क्या करते हैं, पेनिसिलिन नामक युक्त औषधों का उपयोग किया जाता है। ये पेनिसिलिन है क्या, इनका शोध किन्होंने लगाया, ये देखते हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने ये पेनिसिलिन नामक जो कवक है उसका शोध लगाया। सेंट मेरीज हॉस्पिटल के सूक्ष्मजीव शास्त्र के प्राध्यापक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उनकी प्रयोगशाला में कांच की तक्षरी मतलब पेट्री प्लेट्स में अलग अलग प्रकार के जीवाणु और फुफ्फुंदों की वृद्धि की थी। 3 सितंबर 1928 को फ्लेमिंग जब स्टेपाइलो कोकस जीवाणु का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक तश्तरी मतलब पेट्री डिश पेट्री प्लेट में उन्हें विलक्षण चीजें दिखाई दी। देखो इसमें क्या दिखाई देना है, हमें देखना है पहले वाले इसमें। इस तरशरे में फुफंद के धब्बे की वृद्धि हो रही थी, मतलब कुछ फुफंद है वो क्या हो रहे थे, वृद्धि हो रहे थे, बढ़ रहे थे, परंतु इन धब्बों के आसपास की जगह साफ हो रही थी। आप देखेंगे तो इस अगल बगल की जगह क्या है, वो साफ। इसका सरल अर्थ था कि जीवाणु नष्ट हो गए थे, मतलब अगल बगल की बाजू अगर साफ हो रही है इसका मतलब उस पेट्री डिश में, उस पेट्री प्लेट में क्या है कि वो जीवाणु के वजह से वो जगह, वो जीवाणु क्या हो रहा है, नष्ट हो गए। लेकिन ये फुफंदा कौन सा था, तो ये फुफंदा पेनिसिलियम है और इसके स्राव के कारण ही जीवाणु नष्ट हो गए। और उन्होंने, उनको ये समझ में आया कि उस समय उस पेट्री डिश में जो दूसरा कवक फुफंदा है पेनिसिलियम के वजह से वो जो है वो जीवाणु क्या हो रहे, नष्ट हो रहे। देखो ये इस चित्र में पेनिसिलिन नामक के कवक है, यहाँ भी रखा था, लेकिन इसी डिश में भी वही है, तुम इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हो। मतलब उसी समय उन्होंने ये शोध लगाया कि पेनिसिलिन ये कवक बाकी के जीवाणुओं को भी क्या कर सकता है, मारता है, और वो क्या है, उपयुक्त। इसी प्रकार एक अनक्षिप घटना के कारण ही विश्व के पहले प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का जन्म हुआ। पहले एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक का शोध किन्होंने लगाया था, तो डॉक्टर फ्लेमिंग इन्होंने लगाया था, याद रखना चाहिए। पहले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का जन्म हुआ था और असहाय रोगों को काबू में लाने के लिए प्रायोगिक नींव रची गई। मतलब पेनिसिलिन का जो जब से लगा उसके वजह से बहुत सारे रोग हमने क्या किया उसको काबू में लाया। हमारी जान बचाने वाले प्रतिजीवियों को खोज करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हम हमेशा ही ऋणी रहे। आपको ये सवाल पूछा भी जा सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हमेशा क्यों हम ऋणी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पेनिसिलिन कवक से पेनिसिलिन ये जीवाणु पेनिसिलिन कवक से एंटीबॉडीज तैयार की थी, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, हमेशा ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन पेनिसिलिन के वजह से बहुत सारी बीमारी जो है उनके जीवाणु है वो क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। इस प्रकार आज के इसी प्रकार आज के पाठ में हमने किनुआ मतलब इस किस प्रकार तैयार होता है, उसके बाद डबल रोटी मतलब ब्रेड पाव एक किस प्रकार तैयार होता है, उसके बाद रोग प्रतिकार शक्ति क्या है और उसको बढ़ाने के लिए पेनिसिलिन का महत्व क्या है और पेनिसिलिन का शोध किन्होंने लगाया, ये 3 या 4 घटक हमने आज के लेक्चर में। अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने किनुआ मतलब किनुआ किस प्रकार तैयार होता है, उसके बाद डबल रोटी मतलब पाव या ब्रेड किस प्रकार तैयार होता है, उसके बाद रोग प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ाते हैं और उसको बढ़ाने के लिए जो पेनिसिलिन है उस पेनिसिलिन का जो किन्होंने लगाया, ये 4 घटक हमने इस पाठ में देखे। इसी प्रकार आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।